भारत मेरा अपना देश है और मैं भारतीय हूँ, तो मेरा परिवार भी इसी देश में रहता है, इसी शहर में रहता है, छत्तीसगढ़ की माटी में मेरा जन्म हुआ है। अगर भारत को धर्मनिष्ठ भारत बनाना है तो शेर को चुनिए, यही हमारा संदेश है। मैं 8 तारीख को चला जाऊंगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से घूमते हुए उत्तर प्रदेश गोरखपुर तक। गर्मी में, धूप में, बिना पानी, बिना शेल्टर के महीनों महीनों युद्ध के मैदान में रहते थे। पीएम मोदी के दीवाने तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन हमारे भिलाई में भी एक मोदी जी के दीवाने पहुंचे हुए हैं। अफ्रीकन, उन्होंने लिखा है अफ्रीकन हिंदुस्तानी, जो अफ्रीका के केन्या में रहते हैं लेकिन है मूलतः भिलाई के रहने वाले, और हर बार जब भी चुनाव होता है वो मोदी जी के प्रचार में अकेले पहुंचते हैं अफ्रीका से यहाँ पे, और लगातार किस तरह की प्रचार करते हैं, चौक चौराहों में खड़े अक्सर आप दिख जाएंगे भिलाई के यहाँ पे, जहाँ रस्तम मार्ग है वहाँ पर ये पोस्टर लेके खड़े होते हैं। और संतोष तिवारी इनका नाम है, संतोष जी अफ्रीकन हिंदुस्तानी, क्या मतलब है इसका? जी, अफ्रीकन हिंदुस्तानी का अर्थ ये है कि मैं अप्रवासी भारतीय हूँ, पिछले 20 वर्षों से अफ्रीका में रहता हूँ, पर दिल तो हिंदुस्तानी है, दिल तो आज भी यहीं धड़कता है, तो इसलिए हिंदुस्तानी अपना वो है। चुनाव में ही आप आते हैं सिर्फ मोदी जी के प्रचार के लिए? नहीं, ऐसा है कि भारत मेरा अपना देश है और मैं भारतीय हूँ, तो मेरा परिवार भी इसी देश में रहता है, इसी शहर में रहता है, छत्तीसगढ़ की माटी में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं हमेशा चुनाव के समय में तो महीने दो महीने की छुट्टी लेकर आकर और उसके बाद प्रचार करता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो शेर हैं, तो 2014 से 19, 17, 22, 23 सभी चुनावों में मैं आता रहा। ये सारे हमारे मुख्य मुद्दे रहे जिनके ऊपर में इस सरकार ने काफ़ी काम किया है, तो आज हम जनता के बीच में जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि भाई आज अगर भारत को फर्दर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत और सबसे महत्वपूर्ण है धर्मनिष्ठ भारत, अगर भारत को धर्मनिष्ठ भारत बनाना है तो शेर को चुनिए, यही हमारा संदेश है। कहाँ कहाँ आप घूम चुके हैं? कल ही केवल दुर्ग भिलाई या छत्तीसगढ़ में तमाम शहरों में आप जाते हैं? देखिए, मैं ऑलरेडी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में जाकर प्रचार कराया हूँ, छत्तीसगढ़ में प्रचार मेरा आज पूरा हो रहा है, अभी हम यहाँ से रायपुर जा रहे हैं, और इसके बाद जैसे ही यहाँ पर मतदान मेरा अपना वोट डालने के बाद मैं 8 तारीख को चला जाऊँगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से घूमते हुए उत्तर प्रदेश गोरखपुर तक, अयोध्या, काशी, इन सब जगहों पे मेरा प्रचार करने का प्लान है फिलहाल। उसके बाद फिर या तो हम दिल्ली की तरफ जाएंगे या बिहार की तरफ, ये उसके आगे तय करेंगे। आप तो अकेले घूमते हैं, लोगों का कैसा रिस्पांस मिलता है, कैसा साथ मिलता है? कुछ लोग पसंद करते होंगे मोदी जी को, कुछ लोग उल्टी बात भी कहते होंगे। देखिए, हर तरह के लोग हैं और विचारों की स्वतंत्रता ही भारत की सुंदरता है, यहाँ हर किसी को अपना राजा, अपना मत देने का पूरा अधिकार है, और मेरा एक संदेश है और वो संदेश ये है कि हमारे पूर्वज गर्मी में, धूप में, बिना पानी, बिना शेल्टर के महीनों महीनों युद्ध के मैदान में रहते थे। बाजीराव बल्लाड़ की सेना बिना रुके, बिना थके, घोड़ों पे सो के और उसके बाद अपने देश की जनता की रक्षा के लिए लड़ी है। इस गर्मी में अगर हम लोग मात्र एक मतदान देने के लिए भी ना जा पाए तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के आने वाली संततियों के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा दायित्व जो है वो मत डालने का है। तो मैं जिनसे भी मिलता हूँ मैं ये कहता हूँ कि आपको जो उचित लगता है, जो विरोधी है, जो उचित लगता है, आप अपने अपने विवेक का उपयोग कीजिए और मत डालिए। हम मुझसे पूछेंगे इनको क्यों डालना है, तो मेरे पास 101 कारण है। आज भारत के बाहर हम अपना पासपोर्ट जब रखते हैं, किसी भी देश में, यूरोप में हो या मिडिल ईस्ट में हो या अफ्रीका में, लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामरिक महाशक्ति के रूप में भी उभरा है, और ये बहुत बड़ा कारण है कि देश के अंदर में आप विकास चारों तरफ देख रहे हैं। पिछले चुनाव में जब मैं इस जगह पर खड़ा था, इसी जगह पर 2019 के चुनाव में खड़ा था, तो ये ब्रिज नहीं बना हुआ था। आज मैं यहाँ छाए में खड़े होकर प्रचार कर पा रहा हूँ, ये भी अपने आप में एक विकास का एक फायदा हमें भी मिल रहा है। जो इसके ऊपर से जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं। आप देखिए, देश के अंदर में सभी जगह पर विकास की गति है, लोगों के अंदर में एक कॉन्फिडेंस है, आतंकवाद पर रोक लग गई है। आप अगर देखेंगे तो शांति है, समृद्धि है,
रोजगार के नए नए साधन निकले जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं जिनके कारण मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री पहली बार कब आपके मन में आया कि इस तरीके का प्रचार होना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सपोर्ट हम 2009 से कर रहे हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनके कार्यों को देखकर मुझे लगा कि ये नेता ऐसा है जो भ्रष्टाचार मुक्त है, जो कमिटेड है और जो जिसके लिए पूरा भारत एक अपने आप में परिवार है। तो मोदी जी का परिवार है तो हम भी उनका हिस्सा है। मोदी का परिवार है। 2014 में सबसे पहली बार मैंने प्रचार करना शुरू किया था 50 डिग्री की धूप में, गर्मी में आदत नहीं थी, हम एसी में रहने वाले लोग हैं और आदत नहीं थी इस टेम्परेचर की, पर हम वाराणसी से लेकर पूर्वांचल में उस समय प्रचार करने पहली बार वो मेरा एक्सपेरिमेंट था। अब ये लगा कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, तो मैंने भी सोचा कि देखूं तो सही एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। मैं यहाँ अकेला खड़ा था, आज मेरे साथ चार लोग और जुड़ रहे हैं, बस ऐसे ही कारवा बनता चलता है। तो आप क्या मोदी तक आप कभी पहुंच पाए, मोदी जी तक मिलना हुआ या? बिल्कुल, मोदी जी 2016 में केन्या आए थे मेरे देश में, हम लोगों ने उनका एक स्टेडियम में 20,000 लोगों को इकट्ठा करके स्वागत किया था, उनसे भेंट हुई थी। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इतने व्यस्त व्यक्ति को हम डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते। बिल्कुल, आप इनको देख के अभी रुके हैं, क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो मोदी जी को समर्थन करना और भाजपा को लाना है। आप अचानक इनको पहचानते तो है नहीं, कैसे रुक गए? मैं भाजपा का पदाधिकारी हूँ। अच्छा, तो इनको देख के मैंने सोचा इनको मैं सपोर्ट करूँ। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से सबकी अपनी अपनी सोच और विचारों की स्वतंत्रता, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे देश में हमें मिली हुई है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, संविधान की खूबसूरती है, और इसी वजह से आज यहाँ पर जो संतोष तिवारी जी है केन्या से इंडिया करके मोदी जी के प्रचार में लगे हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।